सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू बोटानिमल्स। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड हेयर वी आर विद दिस ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स आ रही हैं इसमें। इसकी इवन जो अंदर के रेड वाले फ्लावर्स होते हैं वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। इस फ्लावर करने का मेन रीज़न ये है कि इसकी हम लोगों ने जब डोरमेंट पीरियड में था और ये निकलने वाला था डोरमेंट पीरियड से, तब हम लोगों ने इसकी रिपोटिंग कर दी थी, जिससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई एंड इसकी फ्लावरिंग में भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हम लोगों को देखने मिली। स्टार्टिंग में व्हेन वी गॉट दिस इज़ अ न्यू प्लांट, काफ़ी नया प्लांट ही है, कोई बहुत पुराना नहीं है। सो वी गॉट दिस प्लांट, इसमें से दो स्टेम्स आ रखी थी, एक इधर और एक ये यहाँ पे। बट इसको वी प्रून्ड इट फ्रॉम हियर, यहाँ से प्रून करा, एंड इसको भी हम लोगों ने यहाँ से प्रून करा। तो इसमें काफ़ी सारे साइड ब्रांचेस और ये सब आने लगी। सो एक चीज़ यही होती है कि जब आप अपने प्लांट को प्रून करते हैं उस समय आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, हम लोग स्टेम्स जो हम लोग के प्लांट है उसको हम लोगों ने काट दिया, बट एंड ऑफ द डे प्लांट आपका बहुत अच्छा हो जाता है, आपका बुशी हो जाएगा प्लांट और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा एंड ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है उससे। सो दिस प्लांट लुक्स बेटर। सो इसमें जो फर्टिलाइज़र हम लोग को देना होता है ब्लीडिंग हार्ट में, वो हम लोग इसको जो पोटाशियम है वो थोड़ा सा इस समय बढ़ाते हैं, ज़्यादा पोटाशियम एकदम हाई रेट में नहीं बढ़ाना है, बट हाँ थोड़ा सा हम लोग पोटाशियम बढ़ा के और बना ऑर्गेनिक दें तो बनाना पील फर्टिलाइज़र, नहीं तो NPK थोड़ा सा 2-4 ग्रैन्यूल्स NPK डाल के कर सकते हैं। तो जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जो हम लोग के परमानेंट प्लांट्स होते हैं उसके लिए मैं ऑलवेज एंड ऑलवेज आई विल रिकमेंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जिससे कि प्लांट की हेल्थ अच्छी रहे और वो लंबे समय तक हम लोग के साथ रहे। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते तो इट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम, जिससे हम लोग का प्लांट आगे चल के कुछ फंगल रॉट, रूट रॉट, लीफ का प्रॉब्लम, बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे प्लांट की प्रॉब्लम में प्लांट के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो उससे बेटर यही रहेगा कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें एंड प्लांट अच्छे से फ्लावर ऑर्गेनिक में भी देता है। ऐसा बात नहीं है कि प्लांट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से फ्लावर्स नहीं देते। अब मेरा ये अर्डीनियम भी देख सकते हैं, दिस अर्डीनियम इज़ ऑल्सो गिविंग गुड फ्लावर्स। इसमें अभी जस्ट एक बडिंग आ गई, बट द प्रॉब्लम इज़ इसमें पानी थोड़ा सा दे दिया गया था गलती से, इसमें फ्लावरिंग कम हो गई है, ब्रांचिंग हो गई, बट स्टिल इसमें बड्स डेवलप हो रही हैं। सो दैट्स द थिंग। सो पहली चीज़ तो हम लोग को ऑर्गेनिक देना चाहिए। दूसरी चीज़ ब्लीडिंग हार्ट के लिए एक जानकारी ये है कि इसको बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा छांव दोनों का बैलेंस चाहिए रहता है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लांट है तो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा सा इसको बढ़िया पानी का स्प्रे करेंगे इसकी पत्तियों पे तो इट विल बी अ हैप्पी प्लांट, खुश रहेगा काफ़ी। एंड बाकी मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए, आप जब भी पानी दें इसको अच्छे से सोक करें एंड लेट इट एब्जॉर्ब दैट वाटर फॉर अ डे और टू। गर्मियाँ होंगी तो आप हर रोज़ पानी दे सकते हैं, नहीं तो आप अगर थोड़ा सा टेम्परेचर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ रखी है तो आप हफ्ते में 1-2 बार पानी दे के भी इसको करा जा सकता है, चलाया जा सकता है इस प्लांट को अच्छे से। सो दैट्स ऑल ब्लीडिंग हार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपके ब्लीडिंग हार्ट में भी इस समय अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्लीडिंग हार्ट को जब भी आप डॉर्मेंसी से बाहर आने वाला हो उसको आप रीपॉट करने का ट्राई करिए, अगर आपका बहुत छोटे पॉट में लगा हो, एंड यूज़ गुड सॉइल। इसका हम लोगों ने 30% सॉइल, 40% खाद और 30% सॉइल, 40% खाद और 30% सैंड यूज़ करा है इसमें, जिससे इसकी सॉइल जो है वो बहुत ड्रेन सी हो रही है। और इसमें हम लोगों ने 1 चम्मच नीम की खली, 1 चम्मच बोन मील और 1/2 चम्मच हल्दी भी डाली थी, जिससे बाकी सारी फंगल प्रॉब्लम्स और रूट रॉट प्रॉब्लम्स और जो भी रूट्स की प्रॉब्लम्स है वो ना हो एंड दिस प्लांट ग्रोज वेल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिस प्लांट इज़ ग्रोइंग वेल एंड डूइंग गुड। आई होप योर ब्लीडिंग हार्ट ऑल्सो गिव्स यू ब्यूटिफुल फ्लावर्स दिस ईयर, आपका ब्लीडिंग हार्ट भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।